आई एम एस के मिश्रा एंड आई वेलकम यू। आज मैं एक ऐसा शब्द लाया हूं जो अभी तक आपके सामने नहीं आया है। शब्द है जूठन। जूठन किसे कहते हैं? जो दूसरों के खाने से बच जाए वो खाना, जूठन खाना। जूठन उसे कहते हैं जो खाना दूसरे के खाने के पश्चात थाली में बच जाए। कुछ लोग, गरीब लोग बेचारे वही खा लेते हैं। जूठन की अंग्रेजी क्या होगी? लीविंग्स ऑफ फूड, लीविंग्स ऑफ फूड। जूठन, जूठन छोड़ना। कुछ लोगों को जूठन छोड़ने की आदत होती है, थाली में काफी खाना छोड़ देते हैं। शादियों में तो बहुत ही खाना रह जाता है। टू लीव इटेबल्स पार्शियली, जूठन छोड़ना अंग्रेजी होगी। टू लीव माने छोड़ना, लीव लेफ्ट लेफ्ट, इसकी तीन फॉर्म होती है। टू लीव इटेबल्स, इटेबल्स माने होता है एडिबल थिंग्स, इसकी दूसरी अंग्रेजी होती है। इटेबल्स माने खाने की चीजें, पार्शियली माने आंशिक रूप से, थोड़ी सी छोड़ देना। माय सन ऑलवेज लीव्स इटेबल्स पार्शियली, मेरा लड़का हमेशा झूठन छोड़ देता है। माय ब्रदर ऑलवेज लीव्स इटेबल्स पार्शियली, मेरा भाई हमेशा झूठन छोड़ देता है। माय फादर ऑलवेज लीव्स इटेबल्स पार्शियली, मेरे पिताजी हमेशा ही झूठन छोड़ देते हैं। He does not leave eatables partially. वह जूठन कभी नहीं छोड़ता है। He never leaves eatables partially. वह कभी जूठन नहीं छोड़ता है। जूठन खाना, to eat leavings of food. I do not eat leavings of food. मैं नहीं खाता हूँ, जूठन मैं नहीं खाता हूँ। He cannot eat leavings of food. वह जूठन नहीं खा सकता। I cannot eat leavings of food. मैं झूठन नहीं खा सकता। She never eats leavings of food. वो कभी नहीं खाती है। वह झूठन कभी नहीं खाती है। The poor eat leavings of food. लेकिन गरीब बच्चे, गरीब लोग झूठन ही खा लेते हैं। The poor eat leavings of food. गरीब लोग बेचारे झूठन भी खा जाते हैं। भूख क्या नहीं कराती। कैसी लगी मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। God bless you. Thank you.